नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सर्दी से ठिठुर रहा है उत्तर भारत। दिल्ली से कश्मीर तक, यूपी से पंजाब तक ठंड का भीषण प्रकोप है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे शहर शहर मौसम के मार की। शुरुआत राजधानी दिल्ली से। राजधानी वालों की मुश्किलें दोहरी हो चुकी हैं। यहां सर्दी के साथ ही धुंध ने जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन बड़ी मुसीबत यह है कि आने वाले दिन लोगों के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने पारा गिरने की भविष्यवाणी तक कर दी है। दिल्ली पर मौसम की दोहरी मार, सर्दी के साथ कोहरे का अटैक। लगातार चौथे दिन पारा 5 डिग्री से कम। दो दिन बाद और बढ़ेगी सर्दी। 28 से 30 दिसंबर तक सावधान। दिल्ली में भयंकर धुंध वाला क्या नजारा है। ऐसा लगता है मानो किसी हिल स्टेशन की तस्वीर हो, लेकिन ये किसी हिल स्टेशन की तस्वीर नहीं, बल्कि दिल्ली की आज की सुबह की तस्वीर है, जब देश की राजधानी कोहरे में लिपटी नजर आई। हाल ऐसा था कि 50 मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल था। हाँ, दिल्ली के मुकाबले आज फॉग बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक और ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को जाने में। ठीक है, विजिबिलिटी काफी कम है आज, इस वजह से ट्रैफिक काफी स्लो चल रहा है आज। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह 7 बजे की तस्वीर देखिए। अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा साफ नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली भी लगातार सर्दी की चपेट के अंदर है। अगर बात करें अक्षरधाम की, सुबह का वक्त है, विजिबिलिटी भी लगातार दिल्ली के अंदर जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर अगर करें, लगातार जिस तापमान है वो गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, सामान्य से 3 डिग्री कम। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 28 से 30 दिसंबर के बीच पारे में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट भी आ सकती है। हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है, और साथ साथ जो क्लाउड की का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली NCR में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी, और जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किए जाने की संभावना। यानी भयंकर सर्दी के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। ऐसे में उन किसानों की सोचिए जो कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि कई किसानों ने अत्याधुनिक टेंट भी लगा रखे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में किसान अब भी फ्लाईओवर के नीचे या ट्रैक्टर ट्रॉली पर रात बिता रहे हैं। सुबह होते ही सर्दी से बचने के लिए अलाव ही उनका सहारा होता है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, और साफ तौर पर आप देखेंगे कि लोगों ने शॉल ओढ़ी है, मोटे मोटे जैकेट पहने हुए हैं, और बाकायदा एकमात्र सहारा सिर्फ और सिर्फ ये अलाव है, और अलाव के साथ ही ठंडी में ये बड़ा बचाव किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, और मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि आने वाले वक्त में ये तापमान और कम होगा, और दिक्कत तब होगी जब घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। दिल्ली में जब सर्दी पड़ती है तो भरपूर पड़ती है। यहाँ की कड़ाके की सर्दी देश में चर्चित है। इस बार भी राजधानी का मौसम अपने पैमाने पर पूरी तरह खरा नजर आ रहा है। ऐसे में दिक्कतें उठा रहे हैं आम लोग। दिल्ली से सुशांत मेहरा, राम किंकर सिंह और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम आपको जम्मू कश्मीर का हाल दिखाते हैं। कश्मीर घाटी के ग्रामीण इलाकों में मौसम ने जीवन को दुश्वार कर दिया है। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि पाइप में ही पानी जम जा रहा है। ऐसे खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से कश्मीर खींचे चले आते हैं, लेकिन यकीन मानिए कश्मीर के ग्रामीण इलाके में रहने वाले इन लोगों के लिए दिसंबर का मौसम किसी सजा से कम नहीं होता। तस्वीर देखिए, कड़ाके की सर्दी में किस कदर जगह जगह पानी बर्फ बन गया है। पेड़ों से गिरती हुई ओस की बूंदे बर्फ बन चुकी हैं। ऐसा लगता है कि मौसम ने कश्मीर के इस ग्रामीण इलाके का बर्फीला श्रृंगार किया हो। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, जबकि यहाँ कोई बर्फबारी नहीं हुई है। पाइपलाइन जमने की वजह से गांव के लोगों को पानी लाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। उनके लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं।
बीती रात श्रीनगर का तापमान -4 तक लुढ़का, जबकि घाटी के दूसरे इलाकों में तापमान और भी अधिक नीचे चला गया है। अब लोगों को पीने की पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण इलाकों में हो रही है, क्योंकि पानी के सभी साधन जो हैं वो इस ठंड के कारण जम चुके हैं। मेहरबानी होगी, गाड़ी देखे, गाड़ी की भी मेहरबानी, अगर पानी होगा तो क्या करेंगे, पानी से बिना क्या करेंगे। इधर कोहरा लग गया है, ना कोई निकलता है पानी के लिए, वो लेन लगाई है, ना हमको पानी ना कुछ, कोई गाल नहीं है, ना हमको रोड है ठीक। कितना दूर जाना पड़ता है पानी लाने? पानी से परला चक से यहाँ आया है हम। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो कश्मीर के कई इलाकों में पारा माइनस में चला गया है। कश्मीर घाटी में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। पारा कश्मीर में लगातार 0 से कई डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल बीती रात भी पारा करीब -4 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। गुलमर्ग, पहलगाम जैसे हिल स्टेशन की बात करें तो जो टेम्परेचर है वो इससे भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर लद्दाख के क्षेत्र की बात करें तो लगभग -13 के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है आज का। लेकिन मौसम की ये मार सिर्फ 1-2 दिन या हफ्ते भर की नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा ही मौसम अभी काफी समय तक बना रहेगा। श्रीनगर से शुजा उल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। आप अगर अपने घरों में ठंड से परेशान हैं तो जरा सोचिए उन जवानों के बारे में जो भारत चीन सीमा पर तवांग में 0 पॉइंट पर सरहद की रखवाली कर रहे हैं। पानी को जमा देने वाली इस सर्दी में देश के हिमवीर सीना तान कर खड़े हैं। देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम तवांग में चीन से लगने वाली सरहद के फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, जहां पर बर्फबारी है, तापमान 0 से नीचे है और यहां पर 10,000 से लेकर 15,000 और उससे ऊपर की ऊंचाइयों पर भी ITBP के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। खास तौर से इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जिस तरह के हालात हैं चीनी सेना के साथ, यहाँ पर दिन और रात मुश्किल हालात में ये जवान यहाँ पर बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यूनिट तैनात है तवांग एरिया में, उसके कमांडेंट हमारे साथ हैं, कमांडिंग ऑफिसर IB झा, उनसे जानेंगे हम कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा, पूरी मुस्तैदी हमें देख रही है, दिन भर आपके साथ यहाँ पर अलग अलग फॉरवर्ड चौकियों पर गए हैं, किस तरह की तैयारी है, जो मौजूदा हालात यहाँ पर है? आपने देखा होगा कि हर जगह पे आपको जवान बहुत ही सतर्क मुस्तैद और मिले होंगे आपको, खास करके जो वर्तमान, पहले से भी हम काफ़ी हमेशा जो हमारी ड्यूटियाँ हम सतर्कता से ही देते हैं हम लोग, और अपनी जो सरहदें हैं उसकी निगरानी में कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, कहीं कोई कमी नहीं हो, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे वर्तमान परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदली हैं तो मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं, ताकि इस तरह की कोई भी घटना यहाँ पे नहीं हो। और हम हैं, हमारे साथ इंडियन आर्मी और हम सब एक साथ मिलकर यहाँ पे लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी सेवाओं की सुरक्षा और उसकी अभेद्य रहे हमारा सुरक्षा, इसकी हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत चीन सरहद पर मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय सेना और ITBP के जवान हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस वक्त हम तवांग सरहद पर एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, 15,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पर जवान बर्फबारी के बीच में पूरी तरह से चौकन्ने हैं, दिन और रात के वक्त लगातार जो पेट्रोलिंग का काम है वो चलता रहता है। सभी जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, इनके पास AK-47 से लेकर इंसास, बरेटा और मोटार जैसे हथियार हैं। इसके साथ ही अगर दूसरा जो दुश्मन यहाँ पर है, मौसम की जो मुश्किलें हैं उससे निपटने के लिए सभी तरह की जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के लिए जो कपड़े हैं, क्लोथिंग है, वो मौजूद है। उसके अलावा हेलमेट, ग्लव्स, सभी तरह के, जिससे जवान न सिर्फ चीन जैसे दुश्मन से निपटे बल्कि यहाँ पर जो एक बड़ा दुश्मन मौसम है उससे भी निपटा जा सके। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड पोस्ट, तवांग, आज तक। तो देखा आपने किस तरह से ठंड है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।